नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपन समस्तंकु स्वागत। आज आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहीर पद्य विभाग चतुर्थ अध्याय चिलिकारे सायंतन दृश्य कविताटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तो पिलामाने भिडियोटी निश्चित भाव शेष पर्यंत देख, आदि भिडियोटी भल लगे तेब लाइक कर नुआ नुआ भिडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर। तेब देख प्रश्नावली एक नंबर आरंभ करवा देख कौन कही निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न देखिए भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पटिका मोहल्ला से टेकी पदटी कवि क्यों उल्लसित होवार देखी तेब यार उत्तर कौन हम तेब आम ऑप्शन मध्य बाछवा ना कर प्रकृति प्रेमी खरेदेला नौका चालक गदेला मीनजीवी घरेदेला पर्यटक ताले कौटा ठीक ना ग है मीनजीवी। तापर दुई नंबर देख निशा आगमन अवनी क्यों रूप धारण करी ताले निशा आगमन अवनी क्यों रूप धारण करी ताले ऑप्शन रु बाछवा ताले करदेला गंभीर ख है निश्चल ग कोलाहलपूर्ण घ है निस्तब्ध ताले कौटा ठीक हम एटा है निशा आगमन अवनी निश्चल रूप धारण करी। तीन नंबर देख अर्थगत पार्थक्य दर्शाओ ताले कौन दे आसे आसे देपर दुकूल दिकूल तरणी तरणी दीप दीप तो युवाक समचारित तो शब्द माने समान शुभा किंतु तार अर्थ अलग अलग रही तो तार अर्थ गुड़ाक आम लिखा। तेरे देख प्रथम देखिए आसे ना तो आसेर अर्थ हूँ आसवा है आसवा मु आसे ना जमी कसे तेल यह हूँ आसवा अर्थरे तापरे ए जो आसे लिखाई यार अर्थ हूँ आशा करवा कौन आशा करवा। तापरे देख दुकूल दिकूल ताले दुकूल ए जो दुकूल यार अर्थ कौन ना लुगा बा पाट वस्त्र बुझिपाल यार अर्थ हूँ लुगा बा पाट वस्त्र तेब दुकूल है लुगा बा पाट वस्त्र आज जो ये दिकूल लिखाला यार अर्थ हूँ नदीर दुईकूल है लिखिद नदीर दुईकूल दिकूल। तापर तरणी तरणी ताले तरणी अर्थ कौन लिखिद तरणी तरणी अर्थ हूँ कौन नौका है प्रथम तरणी हूँ नौका तापर जो तरणी यार अर्थ हूँ सूर्य। तापर दीप ए दीपर अर्थ कौन हाथी है यार अर्थ हूँ हाथी आउ ए दीपर अर्थ हूँ आम जो कौन दीप जल्द था दीप है यार अर्थ हूँ आलोक प्रदानकारी जो प्रदीप। तापर देख ताले चारि नंबर प्रश्न कही निम्नलिखित शब्द गुड़िक दुईट लेखाएं प्रति शब्द लेख समुद्र मारुत अवनी निशाथिनी कौन तापर बागेश्वरी तो यही शब्द गुड़ाक दुईट लेखाएं प्रति शब्द लिखा। तेब समुद्र समुद्र अर्थ ताले कौन बा यार दुईट प्रति शब्द कौन हम सगर सगर अर्णव है लिखा मारुत मारुतर दुईट प्रति शब्द हूँ वायु आउ पवन समीर जहाँ लिखिपार अवनी देखिए अवनी हूँ पृथ्वी है पृथ्वी आउ धरणी निशी थी ताले निशी थी यार अर्थ हूँ राति रजनी बा विभावरी। तापरे बागेश्वरी यार अर्थ कौन अर्थ तो नुह यार प्रतिशब्द बागेश्वरी हूँ सरस्वती माँ है आउ बागदेवी ताले माँ सरस्वती आउ गोटे ना हूँ बागेश्वरी आउ बागदेवी। तापरे पांच नंबर कही बागेश्वरी शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हम देख कैसे बाकी सुक्त अरी खरीदेला बागी युक्त ईश्वरी तापर एटा गरे बागीस युक्त अरी घदेला बाक युक्त ईश्वरी ताले कौटा ठीक हम एटा है यहाँ हूँ ठीक बाक युक्त ईश्वरी। तापर छ नंबर मात्र जश देहे तुम्भे
आयुष्मान एक कहक लक्ष्य कर तो करदेसी कवि सूर्य बलदेव रथ घरदेला कवि बर राधानाथ राय घरदेला भक्त कवि मधुसूदन राव घरदेला प्रकृति कवि गंगाधर मेहर ताले कौटा ठीक हम ताले एक कवि सूर्य बलदेव रथ को लक्ष्य कर ठीक उत्तर। तापर देख सात नंबर आसला क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न कौन कही कवित कवि के समय दृश्य वर्णना करिछंती तबे देख यार उत्तर लिखिदे तबे कवित कवि के समय दृश्य वर्णना करिछंती कवि बर राधानाथ राय आलोच्य कवित चिलिका कूल में उपलब्ध कर चिलिकार सायंतन बा संध्या कालीन दृश्य को वर्णना करिछंती। आठ नंबर दिगंगना उद्देश्य कवि के शब्द पुंज व्यवहार कर तबे देख यार उत्तर हूँ दिगंगना उद्देश्य कवि मधुर हासिनी और ज्योत्सना दुकुवासी आदि सप्तपुंजर व्यवहार कर नंबर गलाणित गला कथार संगातर अर्थ कौन देख यार उत्तर हूँ कविंर एक लोकप्रिय गीत भाव परिगणित गलाणित गला कथार संगात गीतर कृष्ण को देखी राधा विवशता प्रकाश पाइबा और से निष्कृति व्याकुल सखी प्रश्नर उत्तर रे राधा गलाणित गला कथा कही प्रसंग को एड़ाई जीवापरी कथा वर्णित होपर देख दस नंबर बोतपाल मशाल जाड़ी कहीं बोतपाल मशाल जाड़ी कहीं देख यार उत्तर हूँ संध्या होवर बोतपाड़ माने चिलिकारे मेली नौकरे मशाल जाली अन्य उद्देश्य हैला चिलिकारु माछ मारिबा आलोक देखी मत्स्य माने नाकु लंफ देबे ओ धरा पड़िबे एही उद्देश्य रे पोतपाड़ बा नाविक माने पत्तरे मशाल जाली तेबे संध्या हेबा पूर्वरु पोतपाड़ माने बा नौका चालक माने सबु चिलिकारे जो नौका सबु कोन मेली छंती सेथिरे मशाल सबु जाली छंती आ एमानकर आउ गोटे उद्देश्य हला सेथिरे कोन माछ मारिबे तो आलोक देखी कि माछ माने सबु डिया मारिबे बा लंफ देबे एवं माछ गुडा को से माने धरि पारिबे तो ए उद्देश्य रे से माने सबु पतरे मसाल जाडी चंती। 11 नंबर शिखार उठिबा पड़िबा सहित कवि काहाकु तुलना करिछंती तेबे शिखार उठिबा पड़िबा सहित काहाकु तुलना करिछंती ना कवि दुखी मनीषर आशार उत्थान पतन सहित शिखार उठा पका को तुलना करिछंती। 12 नंबर क्यों दृश्य को कवि पारद धौत बोली वर्णना करिछंती क्यों दृश्य को देख यार उत्तर होउछि राति बढ़िबारु अवनी निश्चल होई पड़िछि लोक कोलाहल स्थिर होई जाइछि जलस्थल आकाश चतुर्दिक रे बिछाई होई पड़िछि ज्योत्स्ना ज्योत्स्ना प्लावित धरित्री मन होपरिक पारदर धौत हो ज्योत्स्ना प्लावित धरित्री दृश्य को कवि पारद धौत बोली तुलना करपर 13 नंबर देख ह्रद मध्य भागरे कहार प्रतिबिंब शोभा पाउची तेब ह्रद मध्य भागरे कहार प्रतिबिंब शोभा पाउची ना ह्रद मध्य भागरे दीप पहाड़ बनराजी और नासी आदि प्रतिबिंब शोभा पाई कारण एमाने चिलिका मध्यरे ओ तीर भागरे थाई तार जलराशि प्रतिबिंब होइथांती तेबे ह्रद मध्य भागरे कहार प्रतिबिंब शोभा पाउची ना ह्रद मध्यरे दीप पहाड़ बनराजी एवं नासी नासीर अर्थ कौन नासी हूँ पर्वत बा स्थल भाग जो गुड़ाक कि समुद्र भितर को बा नदी भितर को माड़ी जाइथाय हैला नासी तेल यही सबुंर प्रतिबिंब शोभा पाई कारण एम चिलिका मध्य तीर भाग कूल थी तार जलराशि प्रतिबिंब होतापर देख 14 नंबर छाय मिश्रित आलोक वनस्थल दृश्य को कह रूप सहित तुलना करे देख सर्पर सभीत शिव शरीर परी अरण्य छाय और आलोकर मिश्रण से शोभा पाऊ कवि सूचित करपर 15 नंबर निशीथिनीर प्रभाव को किए प्रचार करुच्छे किए प्रचार करुच्छे तेल देख चिलिका तीरस्थ पहाड़ तथा बनराजी रात्रि गभीरता हेतु जनगहली नथिबारु
ତାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏପରି ନିର୍ଜନ ପରିବେଶରେ ଦୂରର ଝରନାଦ ଓ ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ କେବଳ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ସରଳାର୍ଥ ଦେଇଛି 16 ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତଦାନ ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଏହି ପଦଟିର ଏବେ ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ କବିତାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟସ୍ଥ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲସିତ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଏଠାରେ କବି ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲସିତ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ମୀନଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରି ନିଜ ନିଜ ଘର କଥା ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନୌକାର ପାଲକୁ ଟେକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଫେରିଆସୁଥାନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଯେଉଁ ସିନେରୀ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବ ସେଥିରେ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଭାସୁଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନାବଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ମୀନଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରି ନିଜ ନିଜ ଘର କଥା ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ତ ମୀନଜୀବୀ ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରି ନିଜ ନିଜ ଘର କଥା ସବୁ ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନୌକାର ପାଲକୁ ଟେକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମନରେ ଫେରିଆସୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜଳଯାତ୍ରା କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିଲିକାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ରମଣୀୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏହି ଜଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ରମଣୀୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆନନ୍ଦିତ ମନ ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ଆତ୍ମା ହେତୁ ସେମାନେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ନାଁ ମେଲି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରୁ ପଡ଼ୁଥିବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ଗୀତକୁ ଚିଲିକାର ସମୀରଣ ଦୂରରୁ ତୀରକୁ ବହି ଆଣୁଛି। ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଯାହା ଚିଲିକାର ନୀଳ ବକ୍ଷକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଓ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ସେଇଠି ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ଭାବଧର୍ମୀ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ସରଳାର୍ଥଟିକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଦେଖ ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଜେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଖ୍ୟାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଏହି ପଦଟିର ତାହେଲେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦଟିରେ କବି ପାପଗର୍ତ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିବା ପରି ଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣରେ ଡଙ୍ଗା ଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମୀନ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କବି କ'ଣ ନା ଅଜ୍ଞାନମାନେ ଯେମିତି ପାପଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ମୀନମାନେ ସବୁ ଆଲୋକ ଦେଖିକି ଡେଇଁକି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନୌକା ମେଲି ମାଛଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଶାଲର ଦୂରାନ୍ତ ଆକର୍ଷଣରେ ମାଛମାନେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁବେ ଆଉ ମୀନମାନେ ଜୀବନ ହାରିବେ। ଯେପରି ସଂସାରରେ ଅଜ୍ଞାନ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଳନା କରିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜର ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ସେ ପାପ କବଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପାପର ରୂପରେ ମୋହିତ ଅଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେପରି କବଳିତ ହୁଏ, ଏଠାରେ ମୀନକୁ ପାପୀ ଓ ମଶାଲ ଶିଖାକୁ ପାପତୁଲ୍ୟ ବିଚାର କରି କବି ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସବୁ ନୌକା ସବୁ କ'ଣ ଚିଲିକାରେ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମେଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାଛକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ମଶାଲ ସବୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଶାଲର ତୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣରେ ବା ଆଲୋକକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କ'ଣ ମାଛମାନେ ସବୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମୀନଜୀବୀର କବଳିତ ହେବେ, ହେଲା, କବଳିତ ହୋଇକି ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବେ।
एही साधारण प्रसंग को कवि एठारे चमत्कार काव्यिक भावनारे उत्तीर्ण करिछंती। ताले संसार रे अज्ञान पाप पुण्यर कलना करिपारे नाही, जेंती अज्ञान बा अज्ञानी पाप पुण्यर कलना करिपारे नाही, निजर अज्ञानपण रे से पाप कबळित होइथाय। तेणु पापर रूपरे मोहित अज्ञान विचार शून्य तार स्पर्शरे जेपरी कबळित हुए, सेहीपरी मशाल शिखार आकर्षण रे ए जो तरी गर्भरु डेई बा तरी गर्भ को माने कौन से जो तरी होचे नौका गर्भ को डेई कि मीन सब निजर प्राण विसर्जन करिथाय। एठारे मीन को पापी एवं कौन मशाल शिखा को पापतुल्य विचार करे कवि एठारे चमत्कार भाव रे काव्य न्याय प्रदान करिछंती। तो एभड़िया लिखिबो 16 टी को। तापरे देखो 18 नंबर, प्रतिबिंबराजि दीप शैल तले स्पष्टाकारे सभे ह्रद अंतस्थले। ताले देख ए पदटी रे आम लिखिदेबा सरलार्थ, उद्धृत पद्यांशटी कवि बरराधानाथ राय चिलिकारे सायंतन कवितारु संकलित। बनराजि किपरि चिलिका ह्रदर नील जलराशि स्पष्ट प्रतिबिंबित होइथिबार कवि लक्ष्य करिछंती, तहार वर्णना करिछंती। तेबे एही पदरे कवि कौन वर्णना करिछंती ना बनराजि किपरि चिलिका ह्रदर नील जलराशि स्पष्ट प्रतिबिंबित होइछि ताहा कवि लक्ष्य करिछंती एवं एठी वर्णना करिछंती कवितारे। राति बढ़ी चिलिका तीर, रातिर बयस बढ़िवारे चतुर्दिक जह्न आलोक होइछि निश्चल और निर्मल। जल स्थल आकाश ज्योत्सन प्लावित होइथिबारु समग्र सृष्टि जेपरी पारद धौत देखा जाउछि, दीप शैल प्रभृतिर प्रतिबिंब चिलिका ह्रदर अंतस्थल स्पष्ट रूपे प्रतिबिंब होइथिबार कवि लक्ष्य करिछंती। ज्योत्सना किरण रे गिरि वन नासी आदि आलोकित होइ उठिछि। तेबे राति बढ़ी चिलिका तीर, ताले चिलिका तीर राति बढ़ी बढ़ी चली, आउ राति बयस बढ़िवारे चतुर्दिक जह्न आलोक होइछि निश्चल एवं निर्मल। ताले राति जेमती बढ़ी बढ़ी जाउछि जह्न आलोक चारिआड़े निश्चल एवं निर्मल हो जाइछि। जलस्थल आकाश ज्योत्सनारे प्लावित होइथिबारु समग्र सृष्टि पारदरे धौत होइथिबा भळी देखा जाउछि, दीप शैल प्रभृतिर प्रतिबिंब चिलिका ह्रदर अंतस्थल स्पष्ट रूपे प्रतिबिंब होइथिबार कवि एठि लक्ष्य करिछंती। ज्योत्सना किरणरे गिरि वन नासि आदि आलोकित होइ उठिछि। वास्तवरे उक्त वर्णना कविंक कल्पना बहुत सुंदर हैला, एभड़ा लिखिदेब। ताले तापर 19 नंबर देख, कळी उपद्रवे त्योजि लोकालय शांति किए स्थले भजिले आश्रय। एहि पदटीर ताले सरलार्थ लेखिबा देख, संक्षिप्त कवितांशटी कविवर राधानाथ राय कविता चिलिकार सायंतनर आसीअछि। चिलिका तीर शांतिर स्वरूप एठार चमत्कार कल्पना करिछंती। चिलिका तीर संध्याकाल आसी पहुँचिछि, रातिर समय बढ़िबारु जनबसतिरे नीरवता और निश्चलता बढ़ी जाइछि। ताले चिलिकार बा चिलिका तीर संध्याकाल आसीछि, संध्या समय पहुँचिछि, तो रातिर समय बा जेमती राति बढ़ी बढ़ी जाउछि जनबसतिरे नीरवता एवं निश्चलता बढ़ी जाइछि। गिरी बनादीरे एठारे आउ मनुष्य गहली नथिबारु से स्थान प्रशांत मने होइछि। ताले गिरी बनादीरे गिरी माने कौन पहाड़ एवं वन वन हैला, एठारे आउ मनुष्य सब चलाचल करुनथिबारु बा गहली नथिबारु से सब स्थान प्रशांत मने होइछि बा मने पड़ुछि। चंद्र किरण चिलिकार तीर और बक्षरे पड़ी चारिआड़े खेली जाइछि, एपरी निर्जन और शांत परिवेश रे दूरर शुणा जाउथिबा झरणा और झिंकारीर शब्द रे रात्रीर गभीरतार बारी हेउछि। ताले जेतेबेले चंद्र किरण चिलिका तीर एवं बक्षरे पड़ी चारिआड़े खेली जाइछि चंद्र किरण, ताले एपरी निर्जन और शांत परिवेश रे दूरर कोन शुणा जाउछि झरणार कळकळ शब्द एवं झिंकारीर झिझि शब्द सबु रात्रिरे शुभुछि एवं एहाद्वारा रात्रिर गभीरता बारी होउछि। मने होउछि जेपरी कळीर उपद्रवरे जेपरी कि शांति लोकालय त्याग करी एही स्थानरे निरापदरे आश्रय नेइछंती। प्रकृतरे एही वर्णना बेस भावात्मक। तेबे पिलामाने एही भळिया सरलार्थ गुड़िक लेखिब सबु, तो एठी सरलार्थ गुड़िक
अति सरल करके लिखा जाए तो तुम्हें भल भाव मन रखिपार आशा कर सरलार्थ गुड़िक प्रश्न उत्तर गुड़िक तुम्हें भल भाव बुझी जाइ आल भाव मन रखिपार तो पाने आज आम प्रश्न उत्तर आलोचना ये रखा यार दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िक आम आउ गोटे भिडियो आलोचना करवा भिडी ना बहुत लंबा हो तो आशा करूँ ये प्रश्न उत्तर गुड़िक तुमने भल भाव बुझीपार आदि भिडटी भल लगी थाए तेबे लाइक करदेव आउ तुम सांग सेयार कर नुआ नुआ भिडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करदेव तेरे रोचे धन्यवाद।